ओके गाइस, तो अभी तक के हमने फीचर्स ऑफ जावा में पहले दो वीडियोस के अंदर 6 फीचर्स ऑफ जावा कवर अप किए। आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग फीचर्स कवर अप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कहते हैं कि सातवां जो फीचर है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड। अब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या, जावा डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है मतलब क्या। अब देखिए, हमने पोर्टेबल में देखा कि जावा का जो कोड है ना, वो एक मशीन पे अगर हमने बनाया तो वो दूसरे मशीन पे हम पोर्ट कर सकते हैं, मतलब लेके जा सकते हैं। बट सपोज अगर आपको ऐसा मिला कि सर नहीं, मुझे वो मशीन पे वही कोड रखना है, बट कैन आई रन दिस कोड फ्रॉम अनदर मशीन थ्रू द रिमोट ऑब्जेक्ट। रिमोट पता है आपको, रिमोट आप लेते हो कभी कभी, आपको ये कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। एनी डेस्क करके एक सॉफ्टवेयर होता है, पता है आपको एनी डेस्क? किसी को पता है एनी डेस्क या टीम यूवर? ये जो सॉफ्टवेयर थे, अगर आपको पता होंगे तो ये जो सॉफ्टवेयर है, इसका यूज़ करके हम किसी का भी जो डिवाइस है उसका रिमोट अपने हाथ में ले सकते हैं, मतलब उसका स्क्रीन, और हम यहाँ से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज टीम यूवर, दैट इज़ कॉल्ड एज एनी डेस्क। ओके, पता है ये सॉफ्टवेयर सबको? पता है क्या? प्लीज सर, वॉइस यस यस सर, रिपीट करा प्लीज। ओके, यहाँ पे देखो, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि ये जो दो सॉफ्टवेयर है, अभी मैंने कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड में पढ़ाया नहीं आपको, अभी ये एनी डेस्क, एक सेकंड, एक सेकंड जरा, एक सेकंड।